जय श्री कृष्णा डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस इंजेक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं, उस इंजेक्शन का नाम है सेफ्रिक्जोन इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन के बारे पूरी जानकारी देने से पहले मैं अपना खुद का परिचय दे दूं। मेरा नाम कंचन कुमार है और मैं एक फार्मासिस्ट हूं। तो बात करेंगे कि सेफ्रिक्जोन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग किस किस कंडीशन में करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो आप उस कंडीशन में सेफ्रिक्जोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में करें। ब्रोंकाइटिस है तो उस कंडीशन में करें। माइंड फीवर है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ईयर इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, ब्लड इन्फेक्शन है, माइंड प्रॉब्लम है या लाइम डिजीज है तो इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही करें, बिना डॉक्टर फार्मासिस्ट के सलाह से बिल्कुल भी ना करें। तो फिर हम लोग इसके बाद जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसको उल्टिया जी, वॉमिटिंग, दस्त, डायरिया हो जाएगी, इन्फेक्शन लगने वाले जगह पर एलर्जी महसूस होगा, सिर दर्द, चक्कर आना, ठंड लगना, पेट दर्द, गैस, फ्लशिंग, बुखार आना, गले में खराश, अस्थमा, अरिथमा, चमड़ी में लाल पड़ जाना, ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देगी। और अब बात करेंगे कि इसको क्या गर्भवती महिला को लेना चाहिए। ये तो सवाल उठता है ना कि क्या इस इंजेक्शन का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्तनपान करने वाली महिलाओं को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या ये लीवर में साइड इफ़ेक्ट पड़ता है? पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, लेकिन करना चाहिए। दूसरा है, इसको किस किस मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए जो हमारे लिए बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। पहला है कैल्शियम के साथ इसको बिल्कुल भी ना लें। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको बिल्कुल भी ना लें। लिवोक्सबोरिन के साथ इसको बिल्कुल ना लें। अगर आप दूसरे एंटीबायोटिक एमिकासिन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को बिल्कुल भी ना लें। वाराफारिन ले रहे हैं, मतलब एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं लेना चाहिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।